Assalamu alaikum and welcome to FSA Entertainment. My name is Fahad and I have two young singers from Kashmir who are extremely popular among the locals out here. We will meet them. The first one is Faisal Wani. Assalamu alaikum, Faisal Wani. And Sirji, Sahil Noor is the second one. Thoda bata sakoge hamare viewers ko apne bare mein? हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ कश्मीर से हैं. पहले सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम कश्मीर से हैं. तो हमें लगभग 7-8 साल हो गए म्यूज़िक के साथ. मैं वोकलिस्ट हूँ तो मुझे सात साल हो गए यहाँ के लोकल इवेंट्स में करता हूँ एंड ऑल्सो टूरिस्ट वगैरह के इवेंट्स में यहाँ पे करता हूँ होटल्स वगैरह में. जैसे यहाँ पे होटल ताज बनता है, माना जाता है होटल, और संतूर ललित, तो उनमें परफॉर्म वगैरह करते हैं हम. एंड ऑल्सो हम यहाँ पे कश्मीरी, हमारा जो कल्चरल है कश्मीरी, हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह करते हैं ऑल्सो. तो बेसिकली आप लोकल फोक सॉन्ग्स ही गाते हो क्या, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाते हैं? हम बॉलीवुड सॉन्ग्स भी गाते हैं. और इनके बारे में बताओगे? जी, मैं साहिल नूर, मैं एक्चुअली रिदम गिटारिस्ट हूँ. मुझे भी लगभग 2012 हो गया, ठीक है. तो 2012 में मैंने ज्वाइन किया बैंड, तो तब से मैं रिदम भी बजाता हूँ और लीड भी बजाता हूँ. सो एट द मोमेंट आप दोनों ही हो बैंड में, क्या तेरा म्यूजिक फील्ड में दोनों? हमारा एक म्यूजिकल ग्रुप है यहाँ पे, कश्मीरी लड़के हैं हम यहाँ पे. तो हमने म्यूजिकल ग्रुप बनाया है अपना. तो 7 बंदे हैं हम ग्रुप में. तो हमारे साथ 7 बंदे, 6 बंदे पीछे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिक देते हैं, और मैं खुद वोकलिस्ट हूँ, मैं गाता हूँ. ओके, और लिखता कौन है आपके गाने? हमने अभी कोई सॉन्ग खुद नहीं है. अच्छा. तो हम अभी कश्मीरी यहाँ के फोक सॉन्ग जो है वो गाते हैं, जो गाए हुए हैं या जो लेटेस्ट सॉन्ग्स है वो हम गाते हैं. उनका कवर बनाते हैं, उनका वर्जन बनाते हैं हम. फैसल, आप बताओगे आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है और कैसे शुरू किया? हाँ, यहाँ पे हमारे वैली बॉयज का पहला ग्रुप था, वैली यूथ एक्सप्रेशन का. तो वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग सबसे पहले बाहर की है, दिल्ली में. तो उन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेन किया है. okay. हमारे सीनियर्स है यहाँ पे, तो उनको हो गए लगभग 20-25 साल उनको हो गए ट्रेनिंग देते हुए. तो वो भी अभी बहुत बहुत कम मिल रहे हैं अभी ट्रेन करने वाले भी हमें. तो हम खुद वेल ट्रेन्ड हैं, हम खुद मेहनत करते हैं. यू आर प्रीटी वेल ट्रेन्ड. और ये आपको कब ज्वाइन किए? ये हम मेरे साथ इसको गए 4 साल. ये मेरे गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं. गिटारिस्ट है. हाँ. तो इनका कैसे, आपने स्टडीज पूरी की है? एक्चुअली 10th तक तो मैंने पढ़ा है, तो उससे पहले बचपन से ही शौक था म्यूजिक का. तो छोटा था, सॉन्ग्स वगैरह सुनता था. घर वालों का सपोर्ट नहीं था उतना म्यूजिक में. हमारा घरवालों का सपोर्ट भी उतना नहीं है म्यूजिक में. तो खुद ही स्ट्रगल थोड़ा बहुत करना पड़ा. हमारा स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा. थोड़ी स्टडीज भी छोड़ गई इसी वजह से, म्यूजिक की वजह से हमने स्टडीज भी छोड़ दी. अभी जैसे कि आप मौसीकी में हो, फुल टाइम ये करते हो क्या, कोई और भी जॉब है आपकी? नहीं, एक्चुअली हम दोनों का अलग जॉब है. इनका शॉप है, ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं. मोबाइल रिपेयरिंग का. और आपका? हमारा खुद का एलआई का शॉप है, अपने खुद जहाँ पर हम आए थे. हाँ, आप आए थे. टायर हब का शॉप हमारा है. तो हमारा वही. तो ये उस लेवल पे नहीं है कि आप वो छोड़ सको और फुल टाइम ये करो और कमाओ भी? कमाई नहीं है इसमें? नहीं, उतना तो है, ठीक है. बट यहाँ कश्मीर में ज्यादा सपोर्ट म्यूजिक का नहीं है. स्कोप नहीं है म्यूजिक का. स्कोप हमारा यहाँ बहुत कम है. बट आपने देखा होगा बहुत से रियलिटी टेलीविजन शोज में, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, बहुत से लोग आए. जैसे फेम गुरुकुल था, एक कश्मीर का काजी तौकीर था, राइट? ही बिकेम वेरी फेमस. देन और भी लोग हैं जो आए हैं. तो आपने कभी ट्राई किया रियलिटी टेलीविजन शो में? हमारा यहाँ पे कश्मीरी शो होता है जिसका नाम है मिलेश्वर. ओके. तो उसमें हमने पार्टिसिपेट दोनों ने किया है. तो हाँ, हम top 10 में थे. माशाल्लाह. तो उम्मीद करते हैं आगे और बढ़े. इंशाल्लाह. आप में टैलेंट है तो जरूर आप तरक्की करोगे. इंशाल्लाह. फैसल, आप जो पार्टीज वगैरह में लोग आपको बुलाते हैं, वेडिंग फंक्शंस और जगह, तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड फोक सॉन्ग कौन सा होता है? आप कुछ गुनगुना के सुनाओगे हमें? हाँ, क्यों नहीं.
थैंक यू। मैंने एक शायद आपने YouTube पे वीडियो भी अपलोड किया है। I've seen the number of views that the video got and a lot of comments. So मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको अल्लाह और तरक्की दे, लोग आपको जाने कश्मीर के बाहर, बिकॉज वॉइस इज यूनिवर्सल, भले हमें लैंग्वेज समझती नहीं है, म्यूजिक इज यूनिवर्सल। तो इंशाल्लाह आपको और भी तरक्की मिले। थैंक यू।